हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वंड एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से तैयार किए गए टोटल क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो किताबें चलाई जा रही हैं यानी कि एनसीईआरटी से हैं, और साथ ही साथ में जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही एससीईआरटी है, ठीक है, दोनों से लिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, शेल है। तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, जिसे हम कहते हैं सेल। अब आपको बताते चलते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसे कहते हैं साइटोलॉजी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1665 में किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कोशिकाओं की प्रकार की बात करते हैं तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोट्स होते हैं और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक होती हैं वो प्रारंभिक कोशिकाएँ होती हैं और जो यूकैरियोटिक होती हैं वो डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। और अगर हम प्रत्येक जीव की उत्पत्ति की बात करते हैं तो वो उसकी उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। और यहीं से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और कई एग्जाम में पूछा गया है, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था? तो 1838 से 1839 के बीच में श्लाइडन और श्वान नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग कोशिका से रिलेटेड तैयार रखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? कौन सी मिट्टी न्यूनतम छिद्र युक्त है? पोरस, ऑप्शन चलेंगे सी की तरफ, चिकनी मिट्टी है, क्ले सॉयल। तो चिकनी मिट्टी न्यूनतम छिद्र युक्त होती है। और आपको बताते चलते हैं मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है पेडोलॉजी कहा जाता है, मृदा विज्ञान कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको बताते चलते हैं उर्वरता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है? ये होती है जलोढ़ मिट्टी होती है, उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर और बांगर का जो कॉन्सेप्ट है, खादर मीन्स जानते क्या होता है? खादर में जो नई मिट्टी होती है, बांगर जो कि पुरानी होती है। सही बताया या गलत बताया? अगर गलत बताया तो आप इसे करेक्ट करिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, आपको यहाँ पर बताते चलते हैं जो काली मिट्टी होती है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कपास के लिए। कपास के लिए किसकी, मतलब कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो उसका सही जवाब आपका होगा काली मिट्टी, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मिट्टी से रिलेटेड पूछा गया है, जिसमें ये क्वेश्चन है कि जो लाल मिट्टी होती है इसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये लौह ऑक्साइड की वजह से होता है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग जो लाल होता है इसी की वजह से होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताते चलते हैं लैटराइट मिट्टी से रिलेटेड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चाय की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो उसका सही जवाब होता है लैटराइट मिट्टी होती है। अच्छा, लैटराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विकल्प में आपके बहुत सारे दिए गए होंगे, जिसमें आप आयरन और सिलिका पर सही टिक करेंगे। आयरन और सिलिका इसमें होती है, आयरन और सिलिका, ठीक है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, जो रेगुर मिट्टी होती है ये किसका नाम है, किस मिट्टी का नाम है? तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी हमने आपको बताए एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम आपको बताना है क्या था? बिल्कुल सही जवाब है विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प बी सही हो जाता है, विष्णुगुप्त। ऑप्शन हमारा बी सही होता है, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, कौटिल्य भी इन्हें बुलाया जाता था। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य। एक सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य,
वहाँ से अगर कुछ भी ना याद हो तो वहाँ से तो आपको पक्का याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है, जिसका संबंध किससे है। अर्थशास्त्र नाम तो है जैसे लगता है ना इकोनॉमिक्स, ये धन दौलत ये इन सभी से रिलेटेड है, नहीं, इसका संबंध पॉलिटिक्स से, इसका संबंध राजनीति से है। आपको यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ये किस वंश के संस्थापक थे, किस वंश के संस्थापक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। अच्छा, आपको बताते चलते हैं यहाँ पर जो चाणक्य थे, चाणक्य ने घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पुस्तक से रिलेटेड बताते चलते हैं। मेगस्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई इंडिका, ये भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडिका है, इंडिया नहीं, इंडिका है, तो माइंड में रखे रहिएगा, इंडिका भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? किधर की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से बताइए, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, शाबाश, ऑप्शन ये सही होता है, राजा राममोहन राय थे। अगर हम ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुई थी, तो 1828 में हुई थी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और राजा राममोहन राय ने, आपको बताते चलते हैं, और एक सभा की स्थापना की थी, इसका नाम क्या था? राजा राममोहन राय के द्वारा ही आत्मी सभा की स्थापना भी की गई है, आत्मी सभा की स्थापना भी की गई, कब की गई है, 1815 में की गई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आदि ब्रह्म समाज, ध्यान रखिएगा आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज ये है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, तो यहाँ पर आप क्लियर रखिएगा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, कब की थी, 1866 में की थी, 1866। अच्छा, अब आगे हम बढ़ेंगे ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना जो दक्षिण भारत में, ये किसने की थी, श्री रामालू नायडू ने की थी, क्लियर है। अब यहाँ पर बात करेंगे एक और समाज है जो कि बड़ा पूछा जाता है, वो समाज का नाम क्या है, उस समाज का नाम क्या है, प्रार्थना समाज है, क्या नाम है, प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग एम जी रेनाडे और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने केशव चंद्र के सहयोग से 1867 में, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। लेकिन प्रार्थना समाज की स्थापना की जब भी बात आती है, कभी कभी विकल्प में आपके ये सारे नाम ना होकर के आत्माराम पांडुरंग का नाम होता है, तो सही कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और एक समाज और है जिसके संस्थापक ज्योतिबा फुले को माना जाता है, तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले को माना जाता है। फिर वहीं पर आप देखिए आर्य समाज आता है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती है। महात्मा गांधी ने भी कुछ किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि महात्मा गांधी ने कुछ ना किया हो। तो हरिजन सेवक संघ जो कि पुणे में है, महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके तैयार होते हैं, और ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, तो आप इसे ज़रूर तैयार रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे, सत्येंद्रनाथ बोस, जानकीनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस या फिर एसएन बोस? सही जवाब आता है यहाँ पर, विकल्प आपका सही हो जाता है, बहुत बढ़िया, विकल्प बी सही होता है, यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही हो जाता है, जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। इनका जन्म कहाँ पर होता है, ओडिशा के कटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ, ओडिशा के कटक में हुआ था। इनके द्वारा 1943 में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके द्वारा 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। अच्छा, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड पूछा जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये भी की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इनकी मृत्यु भी थोड़ी सी है, तो मृत्यु लेकिन इंटरेस्टिंग ये हो जाती है कि कोई प्रमाण ही नहीं मिला आज तक। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 18 अगस्त, वैसे भी कोई देशभक्त जब शहीद होता है तो वो दिन बहुत ही
दुख वाला होता है, लेकिन बस इसमें ये लगता है कि ये प्रमाणिक नहीं हो पाई है तो जाने की इच्छा जागती है, तो इस वजह से मैंने कहा। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित किया ही नहीं गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट नोबेल धातु है? कौन सी नोबेल धातु है? लोहा है, चांदी है, कांस्य है, एल्युमिनियम है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चलिए भाई, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अगर यहाँ पर देखिए उत्कृष्ट नोबेल गैस के बारे में पूछा जा रहा है, तो विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है, ये है सिल्वर। तो चांदी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। आपको बताते चलते हैं, इसमें देखिए गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है और मर्करी, ये उत्कृष्ट धातुओं की कैटेगरी में आती हैं। अगर यहाँ पर हम सबसे भारी धातु की बात करते हैं तो कौन सी है? ऑस्मियम है, जिसका संकेत है OS, ठीक है। और अगर सबसे कठोर धातु की बात करते हैं तो ये है प्लैटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लैटिनम है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? किस देश का था प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये ग्रेट ब्रिटेन का था। विकल्प आपका सी सही होता है। टाइटैनिक से रिलेटेड कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ या फिर कोई भी ऐसी याद वाली चीज़ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ इंटरेस्टिंग आपको लगती है जो कि आपको उसमें बड़ी अच्छी लगी टाइटैनिक मूवी की, तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखना चाहते हैं कि आप लोगों ने उस मूवी में क्या कुछ देखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, क्या नहीं पसंद आए वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से एक बार दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जबरदस्त तरीके से जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद क्लास बनाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मारियाना ट्रेंच, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, प्रशांत महासागर है। मारियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और मेरियाना गर्त की अगर हम कुल गहराई की बात करते हैं तो कितनी है जानते हैं? 11,000 समथिंग है, लगभग 11,022 मीटर है, ठीक है। तो 11,000 तो ये कंफर्म है, आगे इतना ही है। और आपको बताते चलते हैं, एक अटलांटिक महासागर में भी एक गर्त है। अटलांटिक महासागर में एक गर्त है जिसका नाम है प्यूरिटो रिको गर्त। क्या है? प्यूरिटो रिको गर्त है। अच्छा, हिंद महासागर में भी गर्त है जिसे कहते हैं सुंडा गर्त कहते हैं। क्या है? सुंडा गर्त है। आर्कटिक महासागर में भी है, यूरेशियन बेसिन है। यूरेशियन बेसिन ये कहाँ पर है? ये आर्कटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी, ये भी बताते चलते हैं। प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच में पनामा नहर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टीबिया है, ट्रेपीजियम है, स्टेपीज है, जांग की हड्डी? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प सी स्टेपीज है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि ये कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ठीक है। और हड्डियाँ इतनी मजबूत होती हैं, लगभग मतलब कहा जाता है ना, कंक्रीट और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती हैं। और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम क्या काम करता है? ये विटामिन के साथ हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। और अगर हम यहाँ पर बहुत ही आसान से क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। और बच्चों में कितनी होती है? SCRT के डाटा के अकॉर्डिंग आपको बताना है, अभी मैंने क्लास में कुछ दिन पहले बताया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन हम दे देते हैं, 208 है, 213 है, 230 है, कोई नहीं, इनमें से कौन सा सही होगा। और एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो जो ये स्टेपीज होती है, ये कान की हड्डी होती है, ये मैंने बता दिया। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात तो मैंने कर ली, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अब सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे, सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये फीमर है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? जांघ की हड्डी होती है, जांघ में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? विकल्प ए हमारा सही हो जाता है, ए हमिंग बर्ड है। विकल्प ए सही हो जाता है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है ये पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है,
कीवी, कीवी की बात करेंगे तो कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? कीवी कहीं का तो राष्ट्रीय पक्षी है, क्रिकेट टीम कही जाती है ना कीवी वाले, कीवी। तो ये न्यूजीलैंड है, इतना जब नहीं आया तो गेस मारने से तो कुछ ही नहीं आएगा, तो न्यूजीलैंड है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, नकल करने में कुशल पक्षी जिसे कहते हैं लायर बर्ड, लायर बर्ड, ये कहाँ पर पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है? सऊदी अरब है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, चीन है, कौन सा सही होगा? तो ये सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये शुतुरमुर्ग आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी मैंने कुछ एक आध क्वेश्चन पहले ही कुछ बताया था आपको, ऑस्ट्रिच एग के बारे में बताया, सबसे बड़ी कोशिका। तो शुतुरमुर्ग ये पक्षी कहाँ पर मिलता है? ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक पक्षी पाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक और पक्षी है केंडोर पक्षी, केंडोर, केंडोर पक्षी है, ये संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। और शुतुरमुर्ग से ही रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन बताते चलते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है, और हमिंग बर्ड जो है विश्व की सबसे छोटी पक्षी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, थोड़ा सा टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ये होता है विकल्प आपका, यहाँ पर सही हो जाता है, बी नीला होता है, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ठीक है, इसका जो शरीर होता है 3 भागों में बटा होता है, और इसमें जो श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? गिल्स, गिल्स या टिनिडिया के द्वारा होता है। ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प बी सही होता है, सिडनी है, विकल्प बी सही होता है, सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला जो शहर है वो सिडनी है। ये सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये डार्लिंग नदी है, जो कि आपको कभी भूलता ही नहीं है, डार्लिंग इंटरेस्टिंग भी है साथ ही साथ में, और ना भूलने वाला नाम है। तो डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अच्छा आपको बताना है पार्थ, ये जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये है स्वान नदी के किनारे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, यहाँ पर आया भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान, बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बी बेंगलुरु में। अच्छा आपको यहाँ पर कुछ और संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार करवाते हैं, तो चलिए बेंगलुरु का ही आप तैयार करिए, रमण अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? ये भी बेंगलुरु में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। अच्छा भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? ये भी कानपुर में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। ठीक है, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया? कौन सा खेल है? वॉलीबॉल है, कलिंग, बेसबॉल, बास्केटबॉल, विकल्प सी सही होता है, बेसबॉल है। बेसबॉल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। जो चलिए अब यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताइए, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? एथेंस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? एथेंस में हुई थी, आप सभी को पता है। और ओलंपिक की देख रेख जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुजाने में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुजाने में है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और करंट में ना जाने कितनी बार आपको ये करवा भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? लैन का तात्पर्य मतलब ये इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो विकल्प किधर की तरफ बढ़ेंगे? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बी लोकल एरिया नेटवर्क है। इसका सही जवाब होता है लोकल एरिया नेटवर्क है। अब साथ ही साथ में आपको और कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ हम यहाँ पर फुल फॉर्म आपको बताते चलते हैं। जैसे देखिए कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, WAN ये है वाइड एरिया नेटवर्क है, NICNET नेट
आई लैंग्वेज में, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क है इसका फुल फॉर्म है, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। तो कुछ कंप्यूटर की लैंग्वेज से रिलेटेड मतलब कुछ ये फुल फॉर्म थे आपको मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? आपको बताना है जल्दी से। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, वर्जीलियस ने की थी। विकल्प आपका सही सही हो जाता है, वर्जीलियस है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि वर्जीलियस के द्वारा तैयार की गई थी। और आपको बताते चलते हैं परमाणु की खोज किसने की थी। परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने की थी, 1808 में की थी। और लुई पाश्चर की बात करते हैं, जॉन डाल्टन से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट ये था कि परमाणु की खोज इन्होंने की थी, 1808 में की थी। और हम आगे देखते हैं लुई पाश्चर से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका खोजा था, और साथ ही साथ में दूध के पाश्चराइजेशन की खोज भी इन्होंने की थी। ठीक है, और बात करते हैं किसी ने कंप्लीट हो जाता है ऑप्शन। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भले हम बता सकते हैं, तो ये है आइवानोवस्की, इन्होंने वायरस की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? अब बताइए, ये है बड़ा आसान सा क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। तो जो पृथ्वी का जल चक्र है किसके द्वारा संचालित होता है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, ये सूर्य के द्वारा संचालित होता है। कैसे, रीज़न इसके पीछे क्या होता है? पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। तो जो जल चक्र होता है ना, मेनली ये है, जैसे जल है तो इसका जो वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की जो गर्मी होती है उससे ये भाप बनकर के पानी उड़ता है, फिर यहाँ पर आगे जाता है तो संघनन वगैरह की प्रक्रिया होती है, फिर ये बूंदों के रूप में नीचे धरती पर गिरता है, फिर इसी तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। एक बार इवेपोरेशन होता है, फिर उसके बाद से इधर संघनन होता है, फिर उसके बाद से ये वर्षा के रूप में नीचे गिरना, फिर ये चक्र चलता रहता है। तो ये सूर्य के द्वारा ही ये सारी प्रक्रिया, मतलब पानी का भाप बनकर के उड़ना हो रहा है, फिर आगे वो बादल बन रहे हैं, फिर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सूर्य, इसलिए विकल्प आपका सी से हो जाता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते चलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। और आपको बताना है पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो अगर एग्जैक्ट हम बात करते हैं, 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड लगता है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा, हमने ऋतु परिवर्तन की बात की है, तो पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है इसके अक्ष पर झुके होने के कारण ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? ONGC का मुख्यालय, विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, देहरादून है। ONGC का मुख्यालय देहरादून है। अब यहीं पर देखेंगे VHEL वेल का मुख्यालय नई दिल्ली है, IOC का मुख्यालय नई दिल्ली में, CIL का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? विकल्प हमारा सही हो जाता है डी, J.K. रॉलिंग। विकल्प आपका डी सही हो जाता है, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से J.K. रॉलिंग के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, हॉकी है। तो थॉमस कप, विकल्प आपका बी सही हो जाता है, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ। थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, आपको बताते चलते हैं, बैडमिंटन से जुड़ा कप जो है वो है नारंग कप है, एग्जाम में पूछा जाता है, नारंग कप है, चड्ढा कप है, अमृत दीवान कप है। और अगला क्वेश्चन आपको बताते चलते हैं, आधुनिक बैडमिंटन का विकास कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। और इसकी जो सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है। और अगर हम वेटन कप, वेगम रसूल ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये सभी हॉकी से संबंधित है। वर्ना बैलक जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा, सबसे आसान सा ये क्वेश्चन, इसके रिप्लाई भी, विकल्प ए है, परमाणु संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो सूर्य की जो ऊर्जा है परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है, और सूर्य जो है
सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य की अगर उम्र की बात करते हैं 5 बिलियन वर्ष के करीब है, और सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने से, जो सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 10 to power 11 वर्ष है, बहुत है अभी, लेकिन फिर भी कभी तो ख़त्म ही होगा ना। और यहाँ पर परमाणु संलयन क्या होता है, एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल भाषा में बताते हैं आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो परमाणु संलयन का मतलब होता है दो परमाणु जब ऐसे ऐसे जुड़ जाते हैं, तो संलयन मतलब जुड़ जाना, तो इसकी जो सूर्य की ऊर्जा है ये परमाणु संलयन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, परमाणु विखंडन का एग्जांपल आप बता सकते हैं? हाइड्रोजन बम है, अणु बम है, परमाणु बम है, कौन सा सही होगा विखंडन का? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। जितने भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? वास्तुकला की दृष्टि से कौन सा नियोजित शहर है? विकल्प डी सही होता है, चंडीगढ़ शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। सबसे बड़ा स्तनपाई मैमल कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपाई मैमल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होता है विकल्प, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा सी, ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपाई है। स्तनधारी वर्ग में जो होता है ना, क्या होता है, रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। स्तनधारी वर्ग में जो मैमेलिया होते हैं, मैमल्स होते हैं, उसमें किसका, किसके रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है? तो ये होता है बकरी का, बकरी, और ये होता है 39 डिग्री सेल्सियस के करीब। चलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र विषैला स्तनी जो मैमेलिया है, तो ये होता है डक विल्ड प्लेटिपस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शब्द विश्व संदर्भित करता है, मतलब किसके बारे में बात करता है, शब्द विश्व किसके बारे में बात करता है? तो ये दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, तो ये बात करता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो पारिस्थितिकी इकोसिस्टम की संकल्पना को आर्थर ट्रांसले के द्वारा परिभाषित किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सी हो जाता है। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा स्पैनिश है। अच्छा, तो फिर पहली कौन सी है आप लोग बताइए नीचे कमेंट करके, जल्दी से ना एक खोज करके बताइए। खोजेंगे तो चार तो मिलेगा ना, चार क्वेश्चन आपको तैयार होगा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन है, डिकेंस है, आइंस्टाइन है, आइजैक न्यूटन है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सी हो जाता है, चार्ल्स डार्विन है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। और आपको बताते चलते हैं, आइंस्टाइन ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत है। आइंस्टाइन का जन्म कहाँ पर हुआ था जानते हैं? जर्मनी में हुआ था। और न्यूटन ने क्या किया था? इन्होंने किसका, गति विषयक नियम की का विकास इन्होंने किया था, न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लाइट पेन क्या है जिसमें लाइट जलती है, या इनपुट आउटपुट कौन सा डिवाइस है? विकल्प बी सही हो जाता है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। और कुछ इनपुट डिवाइसेस के और हम नाम बताते हैं आपको, स्कैनर है, कीबोर्ड है, वेब कैमरा है, ये सभी इनपुट डिवाइस में आते हैं। और कुछ हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जबरदस्त जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद क्लास बनानी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सी हो जाता है, ब्राज़ील की है। रियाल ब्राज़ील की मुद्रा है। और रियाल कुछ अन्य देशों की भी मुद्रा है, जैसे इसमें अगर ईरान आ जाता है, कतर है, ओमान है, सऊदी अरब है और यमन, इसमें भी रियाल ही चलता है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन है। वैसे रैनमिन भी है ना,
चीन की मुद्रा युआन और रैन मिनबी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी है। जाम्बिया की मुद्रा क्या है? जाम्बिया की मुद्रा, जाम्बिया की है मुद्रा दलासी है। कौन सी है? दलासी है। और क्यूबा की मुद्रा कौन सी है? पीसो है। क्यूबा की मुद्रा पीसो है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन किस में हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन किस में हो रहा है? उर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिस्टिलेशन। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, निष्क्रियकरण। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, न्यूट्रलाइजेशन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति में आती हैं, विकल्प आपका डी से हो जाता है, देविका रानी। तो देविका रानी को 1969 में, 1969 में ये पुरस्कार मिला था। और पृथ्वीराज कपूर को मिलता है ये पुरस्कार 1971 में, मरणोपरांत मिला था। और सत्यजीत रॉय को 1984 में मिला था, 1984 में मिला था। और लता मंगेशकर को 1989 में मिला था। ठीक है, तो ये अलग अलग सबको मिला है, कब कब मिला है, चारों विकल्प मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आपको। अब यहाँ पर बात करेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया क्यों जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? तो विकल्प आपका डी से हो जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। विकल्प डी से होता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, सी, ये जाइलम होती है। जाइलम नलिकाएं जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। और जाइलम पौधों को एक यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। और आपको बताते चलते हैं, जो जाइलम होती है ना, जैसे ये पौधा है, तो ये जड़ों के माध्यम से जाइलम नलिकाएं पत्तियों के पौधों के विभिन्न भागों में अलग अलग ये पहुँचाती है, जाइलम, और जाइलम जो होती है जल और खनिज लवण को पहुँचाती है। और जो फ्लोएम नलिकाएं होती है पत्तियों में, जो भोजन बनाते हैं, भोजन कहाँ पर बनता है? पौधों की पत्तियों में बनता है ना, तो पत्तियों में भोजन बनता है, तो भोजन यहीं से भोजन लेकर के फ्लोएम नलिकाएं होती हैं, ये पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाती है। तो फ्लोएम के द्वारा फल मतलब जैसे ये जल और खनिज लवण हो गया, तो जो बचता है ये भोजन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते चलते हैं, पौधे की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो जाइलम उत्तक जब जैसे ऐसे पेड़ होता है ना, काटा जाता है, तो काटने के बाद ऐसे ऐसे आपको रिंग दिखाई देता है, तो ये इसी को कहा जाता है वार्षिक वलय, कहा जाता है एनुअल रिंग कहा जाता है। तो जितने एनुअल रिंग होंगे उतने साल का ये पौधा माना जाता है। तो पौधों की आयु के निर्धारण की इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। लिख देते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसमें इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो बहुत ही आसान सा है, भास्कर। अगला क्वेश्चन, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, श्रीहरिकोटा से। मंगलयान श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और मंगलयान विश्व अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया है, जो कि पहली बार में सफलता अर्जित की है। ऐसा करने वाला इसरो प्रथम वैज्ञानिक संगठन है। और भारत का मंगलयान मिशन सबसे सस्ता है, लगभग 450 करोड़ में बना था। और अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? हमारा क्वेश्चन है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प ए, विकिपीडिया से संबंधित है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ये संबंधित है विकिपीडिया से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विकिपीडिया पर सभी सूचनाओं का संग्रह होता है। जब भी हम कभी गूगल करते हैं, तो जल्दी से पहले सबसे पहले पहुँचते हैं विकिपीडिया पर, जहाँ पर पूरी जानकारी दी होती है किसी भी चीज़ के बारे में। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब होता है हमारा विकल्प ये जलवाष्प, यहाँ पर जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दिए गए विकल्प में से ग्रीन हाउस गैस का उत्तर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। और आपको बताते चलते हैं सूर्य के प्रकाश विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आता है और ऊष्मा ग्रहण करती है पृथ्वी। जब पृथ्वी अतिरिक्त ऊर्जा छोड़ती है तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है वो गैस छाता की तरह मतलब एक आवरण बना करके बाहर जाने से रोकती है। जैसे मतलब ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता है और कुछ ये एब्जॉर्ब करती है और फिर कुछ जब वापस वातावरण में भेजने लग जाती है तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है ये क्या काम करती है, इसे वापस नहीं जाने देती है। तो ये एक तरीके से बाहर जाने से रोकती है, एक छाता की तरह आवरण की तरह काम करता है। तो इस स्थिति में क्या होता है जो ऊष्मा होती है पुनः पृथ्वी पर आ जाती है, इसे ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर टेम्परेचर का बढ़ना हो जाता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे आरंभ कहा जाता है, आरंभ किसे कहा जाता है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी सोना, सोना को आरंभ कहा जाता है। सोना मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। तो एकमात्र ऐसी धातु है, एकमात्र धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और आपको बताते चलते हैं सोना सबसे आघात वर्ध्य धातु है। आप पिटते जाएंगे वो फैलती जाएगी। और सोना सबसे कम क्रियाशील धातु भी है, ये हवा वगैरह से ये क्रिया नहीं करती, वायु से। और शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है और आभूषण आदि बनाने में 22 कैरेट सोने का ही प्रयोग किया जाता है। इसका कारण होता है कि बहुत ज़्यादा अगर ये 24 कैरेट ही यूज़ करेंगे तो ये लचकदार होता है, लचीलापन इसमें होता है, तो लचकदार होता है और ये लचक जाता है। तो ये कठोर ना हो, मतलब कठोर हो, इसके लिए 22 कैरेट का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कोई भी डिज़ाइन वगैरह बनाई जाए तो वैसे रहे नहीं, तो ये मुड़ जाता है, पिघल जाता है। जैसे शुद्ध सोना मुलायम होता है और इस कारण आकार लेने में कठिनाई होती है, तो बनाने के लिए 22 कैरेट का ही यूज़ किया जाता है, कुछ उसमें मिलावट की जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, विकल्प आपका यह पर सही हो जाता है सी सुपीरियर झील, ये कहाँ पर है आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला खिलाड़ी कौन था? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए नादिया कोमनेकी। ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी नादिया कोमनेकी हैं। जिम्नास्टिक में टॉप स्कोर कितना होता है? 10 ही होता है, तो 10 का 10 ये लेकर चली गई। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। ये जफर के नाम से शायरी लिखते थे, बहादुर शाह जफर कहेंगे, तो जफर के नाम से ये शायरी लिखा करते थे और ये 1857 के विद्रोह के नेता भी थे। इनका मकबरा इंपॉर्टेंट ही पूछा जाता है, कहाँ पर है? रंगून में है, जहाँ पर इनकी 1862 में मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह द्वितीय औरंगजेब की बात का ये शासक बना था और बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था, बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था 1526 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया? विकल्प यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है अकबर। दीन इलाही अकबर द्वारा प्रचारित किया गया, इसे हम तौहीद ए इलाही भी कहते हैं, तौहीद ए इलाही भी कहते हैं, और इसे 1582 ईस्वी में शुरू किया गया। दीन इलाही संवत 1583 में चलाया गया था। हिंदू में केवल वीरबल ने ही इस धर्म को अपनाया, ध्यान रखिएगा। और इबादत खाना की स्थापना भी अकबर ने की थी, कब? 1575 में की थी। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुनना है, चेचक है, खसरा है, बुखार है, मस्तिष्क ज्वर है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, मस्तिष्क ज्वर है। मस्तिष्क ज्वर ये सबसे अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते चलते हैं, मेनिनजाइटिस जो रोग होता है, मेनिनजाइटिस
मेनिनजाइटिस रोग ये मस्तिष्क की बीमारी है और ये विषाणु जनित रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? ब्राजील की आधिकारिक भाषा, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, पुर्तगाली है। ब्राज़ील की राजधानी की बात करते हैं तो क्या है? ब्राज़ील की राजधानी है साओ पाउलो है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महादेश में आता है, ठीक है, और यहीं पर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का शहर है, जहाँ पर 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर और 2016 का ओलंपिक आयोजित किया गया था। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती जो माइंड में आ रहा है वो बताते चल रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे का नाम आपको बताना है, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी सीरियस ए, ठीक है। रात में आकाश में सबसे चमकीला जो तारा होता है सीरियस ए है, और आपको बताते चलते हैं पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण तारा है अल्फा सेंचुरी है, जो कि 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी पर है, और साइरस जो है ये सबसे चमकीला तारा माना जाता है, साइरस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? विकल्प बी सही हो जाता है, क्रेवास। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रेवाशे कहते हैं। अच्छा, पहाड़ पर्वत के बीच जो दरार होती है उसे हम दर्रा कहते हैं। जमीन के बीच जब गैप होती है जमीन के बीच उसे हम कहते हैं दरार कहते हैं, ठीक है। और शीशा हुआ, मकान हुआ, इन सभी के बीच जो गैप होता है उसे हम क्रैक कहते हैं, क्रैक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है भाई? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प सी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? क्वींसबेरी नियम, विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, मुक्केबाजी है। तो क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण मुक्केबाजी में होता है, और मुक्केबाजी के महानतम खिलाड़ी में मोहम्मद अली आते हैं, ठीक है। मोहम्मद अली पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो मोहम्मद अली मुक्केबाजी के महानतम खिलाड़ी माने जाते थे, और मोहम्मद अली पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, ठीक है। और महिला मुक्केबाज में एक नाम आता है मैरी कॉम का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, और किसी का नाम है तो नीचे कॉमेंट करके आप बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक जीता है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, सी ब्राज़ील है। आपको बताते चलते हैं, ब्राज़ील फुटबॉल का विश्व कप खिताब कप सबसे अधिक बार जीता है। ब्राज़ील ने 1958, 1962, 1970, 94, 2002 में विश्व कप जीता था। और कुछ बच रहा था आप बता दीजिएगा। प्रथम विश्व कप 1930 में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था, ठीक है। और 2022 का कहाँ पर होगा? ये होगा कतर में होगा। आगे, और 2018 का रूस में हुआ था। और आपको बताते चलते हैं, एक ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है पेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो थाईलैंड की मुद्रा, विकल्प यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, बात, ठीक है, BAHT होता है, बात है। और थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है ये थाईलैंड। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा का नाम है युआन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। आपको कैसी लगी, हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब चलते हैं लास्ट में आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट, विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हाँ, टेलीग्राम से आप जोड़ सकते हैं, जिसका नाम है वन के बाद एक गणितीय संख्या, न्यूमेरिकल लिखेंगे वन, फिर डे एग्ज़ाम टारगेट, वन डे एग्ज़ाम टारगेट नाम से है ना चैनल, तो वन डे एग्ज़ाम टारगेट के बीच में बस आपको वन और डी के बीच, मतलब वन डे के बीच में एक लिखना है बस। ये टेलीग्राम आप लोग पा जाएंगे तुरंत,
ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और इस सवाल का जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय, टेक केयर, थैंक सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।